everyone, welcome to my channel Social Science with Taposhi. Today I am going to start the lesson number 15 of history, that is North India after Mauryas and Sungas, 1st century BCE to 3rd century CE. You must be remember that in the previous chapter, that is in the chapter number 13, you have studied about the Mauryan Empire, and in chapter number 14, early history of Deccan and South India. And in this chapter, we will study that after the decline of Mauryan Empire, you know that the power came into the hand of Sungas and Kanwar dynasty. किसके हाथ में आ गया था मौर्यन के बाद? सुंगा और कनवर डायनेस्टी के पास. पुष्यमित्र सुंगा, हु वाज़ द फाउंडर ऑफ सुंगा डायनेस्टी, किल्ड द लास्ट रूलर ऑफ मौर्या, दैट इज बृहदत्त. बृहदत्त को सुंगा डायनेस्टी के फाउंडर पुष्यमित्र सुंगा ने मार गिराया था. देन अग्निमित्र सुंगा केम. उसके बाद अग्निमित्र सुंगा आए थे और सुंगा डायनेस्टी के लास्ट रूलर थे देवाभूति. और इस देवाभूति को किसने मार गिराया था? कनवा डायनेस्टी के रूलर ने वासुदेव, जो कनवा डायनेस्टी के फाउंडर थे. इन्होंने इसको मार गिराया था, देवाभूति को, हु वॉज दी लास्ट रूलर ऑफ सुंगा डायनेस्टी. ओके, Now the whole empire was divided into many small independent kingdoms. पूरा का पूरा जो empire था छोटे छोटे टुकड़ों में बट गया था. कनवा dynasty के बाद या सुंगा dynasty के बाद छोटे छोटे टुकड़ों में बट गया था. उसी time आए थे foreign invaders, foreign आक्रमणकारी आए थे. बहुत सारे foreign invaders आए थे, उनमें से जो main थे Indo-Greek, Sakas, Parthians and Kushans. And in lesson number 15, part 1, we are going to study about Indo-Greek, Sakas, Parthians and Kushans, about the important rulers, about the Akan architecture. And in the part 2, we will study about the impact of contact with these invaders. So, those who are new viewers in my channel, don't forget to subscribe my channel. And don't forget to hit on the bell icon so that you get the notification of the upcoming videos. Next, Indo-Greek. Before starting Indo-Greek, I want to tell you these Indo-Greek, Sakas, Parthians and Kushans, they all belong to Asian tribes. ये Asian tribes के थे, but they merged with Indian culture. लेकिन वो इंडियन कल्चर के साथ, हमारी भारतीय संस्कृति के साथ वो मिक्सअप हो गए थे. और इनमें से बहुत सारों ने इंडियन रिलीजन बुद्धिज्म को अपना लिया था. जो फॉरेन इन्वेडर्स थे, इनमें से बहुत सारे ने अपने बुद्धिज्म रिलीजन को अपना लिया था आफ्टर कमिंग हेयर. और जो कुशंस आए थे हमारे इंडिया में, उन्होंने इंडिया को अपना घर ही बना लिया. एंड दे सेटल्ड हेयर एंड लेटर दे बिकम अ पार्ट ऑफ इंडियन सोसाइटी. और बाद में वो इंडियन सोसाइटी का एक ही हिस्सा बन गए. उन्होंने इंडिया को अपना होम, घर बना लिया. तो ये सारे ही वैसे इंडियन सोसाइटी के एक पार्ट बन गए थे. अब इंडो ग्रीक सबसे पहले एक एक करके लेंगे. फर्स्ट लेते हैं इंडो ग्रीक में जो फेमस जो किंग थे वो थे मनेंद्र. इनको मिलिंडा के नाम से भी जाना जाता है. ये मनेंद्र फर्स्ट इंडो-ग्रीक शासक थे. उन्होंने क्या अपनाया? बुद्धिज्म अपनाया. बुद्धिज्म को उन्होंने अडॉप्ट किया. और उनका रूल कहाँ था? पंजाब एंड कश्मीर. एंड ही रूल्ड ओवर प्रोविंस ऑफ गंधार, जो मॉडर्न अफगानिस्तान है. यू कैन सी द मैप, ऑन द मैप आप मैप में देख सकते हो कि जहां पे कहां तक ये जो आपका इंडो-ग्रीक ने कहां तक अपना शासन एम्पायर फैलाया था, इस मैप में देखिए. नेक्स्ट, उनके क्वाइंस भी मिले हैं. दीज आर दी क्वाइंस यू कैन सी हैव बीन फाउंड इन मेनी पार्ट्स ऑफ नॉर्थ इंडिया. ये मनेंद्र के क्वाइंस हैं, आप देख सकते हो, जो नॉर्थ इंडिया में बहुत सारे पार्ट्स में मिले हैं. ओके,
तो ये मनेंदर जो फर्स्ट इंडो ग्रीक फेमस इंडो ग्रीक किंग थे। सेकेंड आए थे इंडो ग्रीक और फेमस इंडो ग्रीक किंग, वो थे हेलियोडोरस, अनदर फेमस इंडो ग्रीक रूलर। ही अडॉप्टेड, मिनेंदर अडॉप्टेड बुद्धिज्म एंड हेलियोडोरस अडॉप्टेड वैष्णविज्म, इसने वैष्णविज्म धर्म को अपनाया था। ओके राइट, नेक्स्ट इन्होंने क्या बनाया था, ही बिल्ड ग्रैंड ध्वज पिलर। लुक एट द इमेज, आप देख सकते हो इस इमेज में इन्होंने ग्रैंड ध्वज पिलर बनवाया था, कहां पे, बेस नगर में। दिस इज अबाउट द फेमस किंग्स ऑफ इंडो ग्रीक। एंड नाउ अबाउट द कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडो ग्रीक, इंडो ग्रीक का कंट्रीब्यूशन क्या था हमारे इंडियन सोसाइटी में, हमारे इंडियन कल्चर में क्या कंट्रीब्यूशन था। इन मैनिफोल्ड इन द फील्ड ऑफ, किस फील्ड में, नाट्यशास्त्र, नाट्यशास्त्र आप नाट्यशास्त्र देख सकते हैं, कॉइनेज, कॉइन्स भी बनवाए थे, आई हैव ऑलरेडी शोन यू द कॉइन्स, स्कल्पचर, मूर्तिकला, यू कैन सी द इमेज, फिलोसफी, दर्शन और ट्रेड, इनमें इनका ग्रेट कंट्रीब्यूशन था। नाउ अबाउट द साकास, आई हैव ऑलरेडी टॉट यू अबाउट द इंडो ग्रीक साकास। साकास दे ओरिजिनली बिलोंग टू सेंट्रल एशिया, ये कहां से थे, सेंट्रल एशिया से। आर द डिफीटेड ग्रीक्स, ग्रीक को डिफीट करके वो इंडिया में एंटर कर गए थे। एंड दे रूल्ड ओवर 200 इयर्स, और उन्होंने यहाँ पे कितने दिन तक शासन किया, 200 इयर्स तक। यहाँ पे आने के बाद दे गॉट डिवाइडेड इनटू फाइव ब्रांचेस, वो फाइव ब्रांच में डिवाइड हो गए एंड एस्टैब्लिश देयर रूल इन पंजाब एंड अफगानिस्तान। यू कैन सी ऑन द मैप कि उन्होंने कहां से कहां तक साकार डायनेस्टी ने रूल किया था इंडिया में। देयर कैपिटल, उनकी कैपिटल थी तक्षशिला, और तक्षशिला किस नाम से जाना जाता है, वो अभी पाकिस्तान में रावलपिंडी के नाम से जाना जाता है। और साकार ने अपनी कैपिटल कहां बनाई थी, तक्षशिला में। नाउ अबाउट द इम्पोर्टेंट रूलर्स ऑफ साकार डायनेस्टी, साकार डायनेस्टी के इम्पोर्टेंट रूलर्स के बारे में। साकार डायनेस्टी का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट रूलर थे वो थे रुद्रदमन। रुद्रदमन के बारे में कहां से पता चलता है, रुद्रदमन के बारे में पता चलता है द एडिक्ट्स एनग्रेव ऑन गिरनार माउंटेन। गिरनार माउंटेन में जो एडिक्ट्स लिखे हुए, जो एनग्रेव करके लिखे हुए, खुदाई करके लिखे हुए, और गिरनार माउंटेन कहां पे है, जूनागढ़ में, वहां पे जो एडिक्ट्स मिले हैं, उस एडिक्ट्स में रुद्रदमन के बारे में हमको इन्फॉर्मेशन मिलती है, रुद्रदमन के पीरियड के बारे में। और ये क्या दिखाती है, उस एडिक्ट से पढ़ने के बाद ये पता चलता है कि देयर वॉज अ पीस एंड प्रॉस्पेरिटी इन द किंगडम। किंगडम में बहुत ही शांति पूर्वक से लोग उसके किंगडम में रहा करते थे। ही हैड ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू असिस्ट एंड एडवाइस हिम, उसको असिस्ट और एडवाइस करने के लिए मिनिस्टर्स थे। एंड ही इशूड सिल्वर कॉइन्स, यू कैन सी द इमेज, कुछ सिल्वर कॉइन्स उसने इशूड किए थे जिसमें उसकी फोटो एनग्रेव की हुई थी, रुद्रदमन की जो इमेज थी वो एनग्रेव की हुई थी। ही वॉज ऑलवेज रेडी टू हेल्प हिज पीपल, हमेशा अपनी प्रजा की हेल्प करने के लिए वो रेडी होता था। एंड ही ऑल्सो रिपेयर सुदर्शन लेक, हू रिपेयर सुदर्शन लेक, रुद्रदमन रिपेयर सुदर्शन लेक इन कैथियावार, इन ऑर्डर टू प्रोवाइड इरीगेशनल फैसिलिटीज, इरीगेशनल फैसिलिटीज ताकि उनके पीपल को, प्रजा को मिलती रहे, इसीलिए उसने सुदर्शन लेक को रिपेयर करवाया था। ध्यान आ रहा है आपको, सुदर्शन लेक किसने बनवाया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने, और रिपेयर किसने करवाया, रुद्रदमन ने, इन ऑर्डर टू प्रोवाइड इरीगेशनल फैसिलिटीज। एंड ही वॉज ऑल्सो अ ग्रेट लवर ऑफ संस्कृत। दिस इज ऑल अबाउट द साकास। Now about the Parthians, we have already discussed about Indo-Greek and Sakas. Parthians taken over some territories of northwest region of Punjab, Sindh and most part of northern Pakistan today. You can see on the map ki Parthians ne kitne region ko take over kar liya tha. The most important ruler of Parthian is Gondopharnes, and however this kingdom didn't survive वेरी लॉन्ग। ये किंगडम के बारे में हमको इसलिए नहीं पता क्योंकि ये किंगडम ज्यादा दिन तक नहीं चला। इसके बाद पार्थियंस के बाद जो आए थे वो थे कुशंस।
चाइनीज ट्रैवलर और हिस्टोरियंस ने कुशन्स के बारे में बताया। कुशन्स कहां के थे? प्रोविंस ऑफ कनेस, कनेस प्रदेश से थे, और ऑफ वेस्टर्न चाइना, वेस्टर्न चाइना के कनेस से थे। और दे वर नोन एज यू ची, उनको यू ची के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, कुशन्स को राइट। एंड उनको किसने हरा दिया? हुंस ने। क्वेश्चंस को हुंस ने हरा दिया। हराने के बाद वो इंडिया की तरफ मूव हो गए और वो इंडिया में आके अफगानिस्तान में सेटल हो गए। आफ्टर डिफीटिंग साकास, साकास को हराने के बाद वो अफगानिस्तान में आके सेटल हो गए। और दे एक्सटेंडेड देयर टेरिटरीज एंड दे वर एबल टू डिफीट इंडो ग्रीक साकास एंड पार्थियंस। उन्होंने इंडो ग्रीक साकास और पार्थियंस को हरा दिया था। एंड यू कैन सी ऑन द मैप दैट दे एक्सटेंडेड देयर टेरिटरीज। अब मैप पे देखिए उन्होंने अपने टेरिटरीज कहां तक फैला दिए थे? सिंध, पंजाब, ग्रेटर पार्ट ऑफ गैंगेटिक रीजन, ये उस इन्होंने यहां तक एक्सटेंड कर लिया था। क्वेश्चंस ने, क्वेश्चंस के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर थे वो थे आपके कनिष्का। कनिष्का के बारे में आपको बता देती हूँ। कनिष्का ही बिकेम द फॉलोअर ऑफ बुद्धिज्म। कनिष्का बुद्धिज्म के फॉलोअर थे। एंड कनिष्का ने क्या बनाया था? बिल्ड मोनास्ट्रीज एंड स्तूपास। मोनास्ट्रीज और स्तूपास भी बनवाए थे। मोनास्ट्रीज मठ और स्तूप बनवाए थे। मोनास्ट्रीज आप देख सकते हैं, दिस इज मोनास्ट्रीज, जहां पे आपके बुद्धिस्ट मॉन्क रहते हैं। इन्होंने कनिष्का ने बनवाए थे। आपके मेनी स्टैचूज ऑफ बुद्धा वेयर वेल एंड एस्टैब्लिश इन डिफरेंट प्लेसेस। बहुत सारे स्टैचूज भी बनवाए थे इन्होंने, कनिष्का ने। एंड द फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल, फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल भी इन्हीं के काल में हुआ था। मतलब काल, इन्हीं के काल में फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल भी हुआ था। एंड ही वॉज ऑल्सो द फॉलोअर ऑफ महायान, महायान ब्रांच ऑफ बुद्धिज्म। महायान बुद्धिज्म के महायान ब्रांच के फॉलोअर थे। जो बुद्धिस्ट धर्म है वो महायान और हीनयान दो में बांटा गया है। जो महायान धर्म के फॉलोअर है उनका मानना है कि जो महात्मा बुद्ध है इनकार्नेशन ऑफ गॉड, वो गॉड को, वो बुद्ध को गॉड का अवतार मानते हैं। इनकार्नेशन मीन्स अवतार, वो कौन के? महायान धर्म के लोग मानते हैं, तो ये बुद्ध को गॉड मानते थे। और हीनयान, जो हीनयान है, हीनयान के लोग मानते हैं बुद्धा ओनली द गाइड एंड टीचर एंड नॉट गॉड। वो उसको गाइड या टीचर मानते हैं हीनयान लोग, उसको गॉड नहीं मानते। नाउ अबाउट दी आर्कियन आर्किटेक्चर, ही प्रोपोगेटेड संस्कृत लैंग्वेज एंड लिटरेचर। ही वॉज अ ग्रेट लवर एंड पैट्रॉन ऑफ लवली एंड ही वॉज अ ग्रेट किंग हु हैड हैव लॉट ऑफ इंटरेस्ट। कनिष्का वॉज अ ग्रेट किंग हु हैड अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट इन आर्कियन आर्किटेक्चर। एंड आर्किटेक्चर, स्कल्पचर, साइंस एक्सेट्रा। एंड मथुरा, सारनाथ, अमरावती एंड गंधार वर द मेन सेंटर्स ऑफ डेवलपमेंट ऑफ आर्क एंड आर्किटेक्चर। दीज आर दी मेन सेंटर्स। बुद्ध चरित्र इज ऑल्सो द फेमस बुक रिटन बाय अश्वघोष ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कनिष्का। बुद्ध चरित्र, अनदर बुक दैट इज चरक संहिता रिटन बाय चरक is the gives knowledge about Ayurved studies. This is the another book. And Patanjali, he was the another famous person, wrote about words, grammars in his book Mahabhashya. These all about the Arcan architecture. Now about the coins. He was known for his fine coins, and many coins including gold have been found in this period. Gold coins bhi bahut sare mile. And it shows that the prosperity as it convey easy availability of golds during that period. That means gold is easily available. Iske period mein easily available the. He started Saka era. Unhone Saka era start kiya 78 CE mein, Kanishka ne. And this era is used by Indian government as national era. That means Saka era is the national era. एंड द इंडियन नेशनल कैलेंडर, इंडियन जो नेशनल कैलेंडर है, समटाइम्स साका कैलेंडर, यू कैन सी द इमेज दैट इट इज द ऑफिशियल कैलेंडर यूज इन इंडिया। समटाइम्स इट इज यूज एज ऑफिशियल कैलेंडर, दैट इज साका कैलेंडर। लेटर ऑन क्वेश्चंस अडॉप्टेड हिंदुइज्म, इसके बाद हिंदुइज्म अडॉप्ट कर लिया क्वेश्चंस ने। एंड द लास्ट रूलर इन इंडिया वॉज वासुदेव, और लास्ट रूलर इंडिया में कौन आए? दैट इज वासुदेव। दिस इज द एंड ऑफ पार्ट वन।
and in the part 2 the effects and contact between central asia and north india. आपको अगर ये वीडियो पसंद आई तो आप चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर जरूर करिए. नो मोर टुडे. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.